अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फाइक सजाद, फाइक की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बहुत ही मज़े की एक इन्फॉर्मेशन देंगे एक स्टोरी की शक्ल में। तो चलिए अपनी इन्फॉर्मेशन की जानिब बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और तकरीबन पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए 71 to 72 ईयर्स हो चुके हैं। तो सब लोग 14 अगस्त को बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। 14 अगस्त को मनाते इस तरह कि अपने घर के ऊपर पाकिस्तान का जो परचम है उसकी सजावट और मुख्तलिफ़ जगह पर उसको सजा के रखते हैं झंडे को। जैसे ही 14 अगस्त गुजरता है तो वो झंडे उधर ही लगे रह जाते हैं, बारिश होती है, तूफ़ान आता है तो वो झंडे नीचे गिर जाते हैं और जो रोड पे जाने वाले लोग होते हैं वो उनके ऊपर पाँव रखते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो झंडे की वो नहीं रहती ना, बेहरमती करते हैं हम लोग झंडे को। हमें चाहिए कि 14 अगस्त जैसे ही ख़त्म हो हम झंडे उतार लें और उनको संभाल कर वापस नेक्स्ट ईयर के लिए रख लें। अगर नहीं रखना तो आप उसको फिर भी उतार लें, ओपन एयर में ना लगाएं, क्योंकि जब वो गिरेगा, जो कौम अपने झंडे की कदर नहीं करती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। आपको चाहिए कि आप अपने झंडे की कदर करें और झंडे से प्यार करें। पाकिस्तान के झंडे को लोग इस तरह कर देते हैं 14 अगस्त या 23 मार्च का, जैसे मौका है 23 मार्च के ऊपर भी लोग सजाते हैं, मगर फिर उसका कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते, उसको इस तरह कर देते हैं। कभी नीचे वो गिर रहा होता है, उसके ऊपर पाँव आ रहे होते हैं, तो अपने झंडे का ज़रूर ख्याल रखें और अपने मुल्क पाकिस्तान को साफ रखें और पाकिस्तान से प्यार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।